गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो गई है। अब मैं चल रहा हूँ अपने काम से और निकल रहा हूँ, थोड़ा ऑफिस की तरफ कुछ काम है, एम्स भी जाना है। तो आइए चलते हैं और आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो, अच्छे तरीके से आपका समय बीते। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आया हूँ, यहाँ पे कुछ काम है। थोड़ी देर के बाद फिर यहाँ से अब निकलूँगा एम्स की तरफ, वहाँ भी आज दिखाना है थोड़ा। तो ये लगातार ये सिलसिला चलते रहता है, रोज़ाना कुछ ना कुछ नया नया चीज़ें होते रहती है और हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं। रेलवे स्टेशन जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि हर मिनट पे ट्रेन आती है, इतना भीड़ होता है, इतने लोग आते हैं, पूरे देश की कनेक्टिविटी है, आखिर क्यों ना हो, देश की राजधानी जो है। और ऐसी कनेक्टिविटी मैंने कहीं नहीं देखा कि इतना ज़्यादा, इतने लंबा चौड़ा प्लेटफॉर्म और इतना ज़्यादा लोगों का आना जाना, बाहर गाड़ियों का ताता लगा रहता है, स्टेशन के बाहर भी ट्रैफिक हैवी रहता है बिकॉज कि इतने लोग ही आते हैं और इतने ज़्यादा रिक्शा, ऑटो, टैक्सी सबकी भीड़ रहती है। परंतु कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे कि ये पूरा सब कुछ सिस्टमेटिक मैनेज हो जाता है और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होती है। तो ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन काफ़ी भव्य और काफ़ी एक भारत का कह सकते हैं कि मैनेजमेंट, और यहाँ पे कैसे टेक्निक के द्वारा सब कुछ मैनेज हो जाता है बहुत आसान तरीके से। अब एम्स आ गया हूँ और यहाँ पे थोड़ा देर का काम है, तो आइए चलते हैं अब एम्स के अंदर और यहाँ पे सबसे पहले अपना जो ज़रूरी काम है उसको मैं निपटा लेता हूँ। वापस निकल रहे हैं एम्स में, हमने दिखा लिया है और अब वापस चल रहे हैं अपने दूसरे काम की तरफ। कई लोग ये बातें करते हैं कि मैं गाड़ी में बैठ करके वीडियो बनाता हूं, लेकिन क्या करें, काम ही इतना है, बहुत सारे काम रहते हैं आपको मैं जो कि बता नहीं सकता। और उसी बीच में जब भी मौका मिलता है, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए कुछ क्रिएट कर लेता हूँ, कुछ बना लेता हूँ। तो इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, कम से कम आपको ये सोचना चाहिए कि आपको अपडेट्स मिल जाते हैं जो भी मुझे अपडेट्स देना चाहिए। तो समय नहीं मिलता, मैं ऑफिस में बैठ के, स्टूडियो में बैठ के तो वीडियो बनाता नहीं हूँ, मेरे पास ना तो स्टूडियो है ना तो और कोई व्यवस्था है, मैं तो अपना काम करते रहता हूँ, लेकिन बीच बीच में जब भी मौका मिलता है कुछ कुछ बनाते रहता हूँ, कुछ कुछ आपसे बातें करते रहता हूँ और जो भी सूचनाएँ मेरे पास आती है वो आपके पास पहुँचाते रहता हूँ। तो आज शाम के ब्रेकफास्ट में बड़ा पाव है, मज़ा आएगा खा करके और काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। तो आइए चलिए पहले मैं इसे खाता हूँ। तो अब मैं जरा कनॉट प्लेस आ गया हूँ, यहाँ पे कुछ काम है, ब्रेकफास्ट में मज़ा आ गया और उसके बाद अब रात भी हो चुकी है, कुछ काम है उसको निपटाते हैं कनॉट प्लेस में।
आइए कनॉट प्लेस का एक चक्कर लगाते हैं। ये कनॉट प्लेस बिल्कुल ही अलग है, ऐसा शायद इंडिया में तो कहीं नहीं है। बिल्कुल गोल सर्कल है, एक इनर सर्कल एक आउटर सर्कल, और दोनों सर्कलों में मार्केट है, दुकानें हैं, सारे शोरूम हैं। और रात में तो यहाँ पे बिल्कुल अलग ही लगता है। कोविड के सिचुएशन में बहुत ही स्थिति ख़राब थी, कोई आदमी नज़र नहीं आता था, कोई दुकान रौनक बिल्कुल नहीं थी, सब कुछ बंद पड़ा रहता था। परंतु अब धीरे धीरे सिचुएशन पहले की तरह वापस आ रही है। कनॉट प्लेस में वीकेंड में अभी काफ़ी भीड़ रहता है, सारे दुकानें खुली हुई हैं, और देख सकते हैं आप सड़क पे कितने लोग हैं। और बस ये ज़रूरी है कि सावधानी बरतना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र का यूज करना है, नहीं तो केरला में थर्ड वेव की जो सुगबुगाहट है वो चालू हो चुकी है। तो दिल्ली के लोग भी भीड़ भाड़ से थोड़ा सा बचें और कोविड की सिचुएशन को देखते हुए सारे ज़रूरी उपाय करें। Have to get away from the Babylon. Get away. Have to get away from the Babylon. Get away.
कनॉट प्लेस से होते हुए अब हम बंगला साहब गुरुद्वारा के सामने आ गए हैं और ये देखिए कितना सुंदर बंगला साहब गुरुद्वारा है। किसी दिन मैं रात को अंदर जा कर के पूरा दिल ले करके आऊँगा, वीडियो बना करके आपको साथ शेयर करूँगा। अंदर भी काफ़ी सुंदर है बंगला साहब गुरुद्वारा। अब यहाँ से होते हुए निकलते हुए मैं अपने घर की तरफ निकल रहा हूँ धौला कुआं होते हुए।